नमस्कार, रिपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ, और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग गोयल हैं। हम दोनों एक खास विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चले कि बिहार की सियासत में एक खबर काफ़ी फैल रही है, एक मसला काफ़ी उठ रहा है, और मसला ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो खतरे में है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है मुख्यमंत्रियों को हटाने में, ऐसे में अब ये चर्चा गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार को भी क्या हटाया जाएगा। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठा दिया है, तो अब इस पर चर्चा करना तो लाजमी है। सीधे चलते हैं अनुराग गोयल के पास, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार पूरी खबर क्या है, ऐसी चर्चा उठ क्यों रही है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि चर्चा लाजमी है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखकर लोग चिंता में पड़े हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट, अभी रूपाणी चले गए गुजरात में, विजय रूपाणी की सत्ता चली गई और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन गए। उससे पहले कुछ ही महीने पहले की बात है कि कर्नाटक में जो येदुरप्पा थे उनकी सरकार चली गई। उसके पहले थोड़ा पहले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो उत्तराखंड में सरकार चली गई, जो तीरथ सिंह रावत थे उनकी सरकार गई। उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया मुख्यमंत्री, और तीरथ सिंह रावत भी ज़्यादा दिन नहीं चल सके और अब पुष्कर धामी ने उनकी जगह ले ली। यानी जिस तरह से स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है बीजेपी का अपने मुख्यमंत्रियों को हटाने में, धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं। हालांकि चुनावी वर्ष है, चुनाव अब आने वाले हैं अगले साल, तो चुनाव होने हैं तो बीजेपी का लाजमी है कि कहाँ पर कहाँ कौन सा दांव लगाएं कि जीत हासिल कर सके। गुजरात की बात तो समझ सकते हैं, जो विजय रूपाणी थे उस समुदाय से नहीं आते थे जिसका गुजरात में प्रभुत्व है। पटेल समुदाय की बात कर रहे हैं, पटेल समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है गुजरात में, और विजय रूपाणी जैन समुदाय से थे तो उसका महज 2% हिस्सा है। तो बीजेपी को लग रहा था कहीं ना कहीं इसका विरोध झेलना पड़ सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो बीजेपी ने बदला। यानी इसने इन बात को समझना होगा कि चुनाव के पहले जिस तरह से बीजेपी तमाम समीकरणों को फिट करने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को आउट कर देती है आसानी से, और मुख्यमंत्री चूतक भी नहीं बोलते हैं जो हैं सत्ता पर। इतने सारे मुख्यमंत्रियों को हटाया गया पर किसी का विरोध का स्वर नहीं उठा। एक बात और, एक और मुख्यमंत्री की भी चर्चा कर ले, असम के मुख्यमंत्री की भी। असम के मुख्यमंत्री, असम में चुनाव हुए तो चुनाव के पहले सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन असम में भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल दिए गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया सर्बानंद सोनोवाल के, और बाद में हेमंत बिश्व शर्मा को थमा दी गई कुर्सी मुख्यमंत्री की। तो स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। अब हम आएंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। स्नेहा, आप क्या कह रही थी? जी, हमारा सवाल ये था कि अनुराग, देखिए जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बदले गए हैं वहाँ वहाँ बीजेपी की अपनी सरकार थी, मतलब उनके अपने मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिहार में क्या है, एनडीए की सरकार है और जदयू पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए गए, ना कि बीजेपी के पार्टी से मुख्यमंत्री है। बिल्कुल स्नेहा, आपका सवाल लाजमी है। नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा हो रही है बिहार के सियासी गलियारे में। तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है कि बीजेपी जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को बदल रही है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी बदल दे। तो यही चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं कि आखिर तेजस्वी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट है, बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटा रही है अपने समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए, तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसा करेगी? बिहार में स्नेहा ये बात बताएं कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पर, यहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं और बीजेपी के साथ उनकी सरकार है। हालांकि चुनाव के वक्त को थोड़ा याद कीजिए, चुनाव के वक्त में जब नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी, जेडीयू की सीटें घट गई थी, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को ऑफर दे दिया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन बीजेपी ने उन पर कहा जाए कि दया दिखाई या फिर बड़प्पन दिखाया बीजेपी ने, और कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा इसलिए, तो बीजेपी ने अपना किया वादा निभाया। इसने इस बात को समझा जा सकता है कि बीजेपी अगर चाहती तो यहाँ समीकरण बदल सकता था, क्योंकि बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा थी नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार भी किया था
कि हमने तो कहा था बीजेपी से कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हमें कोई इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, इस तरह की बात करते नीतीश कुमार नजर आए थे जी। तो स्नेहा इन बातों को समझना होगा कि जिस तरह से बीजेपी स्ट्राइक रेट है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट है, अपने मुख्यमंत्रियों को धड़ाधड़ हटाती है, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार को हटा देगी? आसान तो नहीं होगा। लेकिन स्नेहा जिस तरह से रिश्ते तल्ख हैं, हर मुद्दों पर विवाद है, जाति आधारित जनगणना पर विवाद है, हर मुद्दों पर विवाद उठ रहा है, या फिर धारा 370 की बात आई थी हटाने की तो उस वक्त भी नीतीश कुमार विरोध में थे, या फिर आपको ये जाति आधारित जनगणना पर तो लड़ाई छिड़ी ही हुई है, और उसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं, 3 तलाक के मुद्दे हैं। वो मुद्दे तो सही है, लेकिन अब तो एक नया मुद्दा जुड़ गया है, चिराग पासवान। अनुराग, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। बिल्कुल, इसने आपने ही कहा, सबसे बड़ी बात है इस वक्त की कि चिराग पासवान वाला फैक्टर। चिराग पासवान को नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तल्खियां हैं ये बरसी में भी देखने को मिली, और उसके अलावा जब रामविलास पासवान बीमार थे तो उस वक्त भी नीतीश कुमार कभी देखने नहीं गए थे, और जब बरसी में उन्हें बुलाया गया, निमंत्रित किया गया तो नहीं गए, और महज 1.5 लाइन का जो उन्होंने संदेश भेजा उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, और पीएम मोदी ने वही 1.5 पेज का संदेश भेज दिया, तो समझा जा सकता है कि पीएम मोदी से चिराग पासवान की जो नज़दीकियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा है, और नीतीश कुमार उतने ही दूर हैं चिराग पासवान से। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बीजेपी बार बार अगर कहा जाए नीतीश कुमार को मुँह चिढ़ा रही है इस मुद्दे पर। बीजेपी के तमाम नेता जा रहे हैं चिराग पासवान की वाहवाही कर रहे हैं और चिराग पासवान से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बयान आया कल, जो हमने चर्चा भी की थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवाल भी जुड़ रहा है इसे आकर स्नेहा कि चिराग। हाँ, और एक बात और अनुराग, अफसरशाही को लेकर के बिहार सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही है, अफसरशाही हो, शराबबंदी मामला हो या फिर भ्रष्टाचार मामला हो, इस सारे मामले को अगर लेते हुए अगर देखा जाए तो बिहार सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही है, और केवल विरोधियों की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के नेता जो है बिहार एनडीए के नेता उठा रहे हैं सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, स्नेहा आपने सही कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे शराबबंदी का मसला हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बीजेपी के नेता भी उठाते रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी का संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा और कई सारे नेता हैं जो मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे के, वो उलट बयान करते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयान करते रहे हैं, या फिर अगर जो चिराग प्रकरण है उसमें जो जेडीयू का स्टैंड होता है उसके खिलाफ बीजेपी के नेता कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, और इस पर जो है जेडीयू को हमेशा चुटकी काटने वाली स्थिति जो है आपको देखने को मिल रही है बिहार में। स्नेहा, तो जिस तरह से स्ट्राइक रेट ठीक है, अभी नीतीश कुमार के लिए चर्चा हो रही है, पर ये नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल तो सत्ता से नहीं हटने वाले हैं, कुर्सी से नहीं हटने वाले हैं, इतना तो माना जा सकता है, क्योंकि कुर्सी है, कुर्सी के लिए सभी लगे हुए हैं, और बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, इस तरह का कोई समीकरण नहीं बन रहा है बीजेपी के लिए कि अगर नीतीश को छोड़ देगी तो सत्ता फिर से पा लेगी, ऐसा तो है नहीं। तो बीजेपी सत्ता में रहकर ही नीतीश कुमार को चिढ़ा रही है, और ये जो हम जो सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी खींच लेगी क्या बीजेपी? स्नेहा, कुर्सी खींच सकती है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और नीतीश को जो पसंद नहीं है, जैसे चिराग पासवान का साथ पसंद नहीं है तो बीजेपी उन्हीं का साथ पकड़ रही है, तो इन तमाम चीजों से दिखता है स्नेहा कि नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। चुनाव दूर है पर लोकसभा चुनाव, और जिस तरह से चिराग पासवान आजकल घूम घूम के कह रहे हैं कि चुनाव जो है कभी भी हो सकता है, सरकार कभी भी गिर सकती है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, चिराग पासवान के इशारे को भी अगर समझे, और कहीं ना कहीं बीजेपी और चिराग पासवान की साठगांठ भी दिख रही है जी। जिस तरह से आरोप लगता रहा है नीतीश कुमार पर कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा है उन्हीं की इशारे पर यह सब काम किया गया, जो खबरें भी आई थी, हालांकि जेडीयू इनकार करती रही है, लेकिन चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया गया, उनके चाचा को अलग तोड़ के गुट बना दिया गया, तो इन सब तमाम अगर प्रकरणों को मिला के देखें उसके बावजूद जो है बीजेपी चिराग पासवान के प्रति उनका जो सेंटिमेंट है, जो वो प्रतिबद्धता है, पीएम मोदी के लेटर से भी दिखता है, पीएम मोदी ने जिस तरह से
रामविलास पासवान को अपना अनन्य सहयोगी बताया। रामविलास पासवान काफ़ी सीनियर लीडर थे, वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे और कई सरकारों में मंत्री रहे, तो उनके बारे में जो शब्द लिखे हैं, पिरोए हैं पीएम मोदी ने, उन बातों को भी अगर पढ़ेंगे, लेटर में हमने बताया भी है अपने दर्शकों को, तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान के प्रति कितना आस्था है बीजेपी को। मतलब कह सकते हैं अनुराग कि बिहार में भी खेल हो सकता है और इसके इशारे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जिस स्ट्राइक रेट से बीजेपी के द्वारा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बदला जाता है या नहीं, मतलब सीएम को बदला जाता है या नहीं, ऐसा सीएम की जो कुर्सी है नीतीश कुमार से ले ली जाती है या फिर नीतीश कुमार ही बरकरार रहते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इशारे जिस तरह से अनुराग ने बताए कि लगातार जो किए जा रहे हैं उससे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।